तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति का रेसिडेंट स्टेटस हम कैसे पता कर सकते हैं, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। यह स्टेटस पता करने के लिए दो कंडीशन है। उससे पहले हम देखते हैं कोई भी पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कितने टाइप के पर्सन होते हैं। तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 7 टाइप के पर्सन होते हैं। उसमें होता है फर्स्ट इंडिविजुअल HUF, HUF मीन्स के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी। तो ये 7 टाइप के पर्सन होते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इस वीडियो में हम इंडिविजुअल का रेसिडेंटल स्टेटस हम कैसे पता कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो देखते हैं, कोई भी इंडिविजुअल का रेसिडेंटल स्टेटस जानने के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट है बेसिक कंडीशन। अगर आप बेसिक कंडीशन कंप्लीट करते हो तो आपको एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है। उसमें अगर बेसिक और एडिशनल दोनों कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हैं। लेकिन आप सिर्फ बेसिक कंडीशन कंप्लीट करते हैं, एडिशनल कंडीशन कंप्लीट नहीं करते तो आप NOR कहलाते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आप बेसिक कंडीशन ही कंप्लीट नहीं करते तो आप NR कहलाते हैं, नॉन रेसिडेंट। इसमें एडिशनल कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं बेसिक कंडीशन क्या है और एडिशनल कंडीशन क्या है। बेसिक कंडीशन के अंदर दो कंडीशन है। उसका फर्स्ट है वह व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 182 दिन और उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में इनकम टैक्सेबल होती है उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। मतलब जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की उस ईयर में आप 182 डेज और उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हो। बेसिक की सेकंड कंडीशन है प्रीवियस ईयर में 60 दिवस और उसके अगले 4 ईयर में वो 365 दिवस इंडिया में रहा हो। इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर में 16 दिवस और उसके पहले के 4 ईयर में वो 365 दिवस इंडिया में रहा हो तो उसने बेसिक एक्सेम्प्शन कंप्लीट कर ली, वो कहलाता है। बेसिक में फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी आप एक कंप्लीट करते हो तो उसमें बेसिक कंप्लीट हो जाता है। बेसिक की सेकंड कंडीशन में कुछ एग्जम्पशन भी है। इन लोगों को सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगी। आउटसाइड द इंडिया जॉब करने के लिए आते हैं। सेकंड है विजिटर, कोई इंडिया को विजिट करने आता है उसको ये सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगी। एंड थर्ड है क्रूज मेंबर होते हैं उसको ये सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई बेसिक कंडीशन की। बेसिक कंडीशन में आप कोई भी एक कंडीशन फिल कर लेते हो तो आपको बेसिक कंडीशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एडिशनल कंडीशन देखते हैं। एडिशनल कंडीशन में भी दो कंडीशन है। उसमें फर्स्ट कंडीशन है प्रीवियस ईयर को छोड़कर अगले 10 ईयर में आपको 2 बार बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब है अगर प्रीवियस ईयर को छोड़ दें अगले 10 ईयर में आपको बेसिक कंडीशन को 2 बार कंप्लीट किया होना चाहिए। एडिशनल में सेकंड कंडीशन है प्रीवियस ईयर को छोड़कर अगले 7 ईयर में उसको 730 दिवस इंडिया में रहा हो। मतलब कि प्रीवियस ईयर को छोड़ने के बाद अगर अगले 7 ईयर में 730 दिनों के लिए इंडिया में रहा हो। एडिशनल में फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन कंप्लीट हो तभी आपको एडिशनल कंडीशन कंप्लीट मानी जाएगी। जब आप बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों कंडीशन आप कंप्लीट करते हो तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हो। अगर आप सिर्फ बेसिक कंडीशन कंप्लीट करते हो, एडिशनल कंप्लीट नहीं करते तो आप NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हो। जब आप बेसिक कंडीशन ही कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको NR, नॉन रेसिडेंट कहलाते हो। तो इस तरह से आप कोई भी इंडिविजुअल का रेसिडेंटल स्टेटस चेक कर सकते हैं।